बिल्कुल बिल्कुल। तो संडे एक्टिविटी है, अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, गर्लफ्रेंड्स के साथ आइए, बॉयफ्रेंड्स के साथ आइए, सब लोग आएगा जरूर। बिल्कुल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज बेहतरीन सुबह लेके मैं निकला हूँ एक मंजिल पे, एक अच्छा सा जगह पे जाने के लिए। और सबको हैप्पी होली, सब हैप्पी रहे और होली मजे से खेलिए। तो आज बीतने वाला है मेरा एक बेहतरीन दिन, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हीरो एक्सप्रेस बी4 एक्सट्रैक इवेंट पे। तो त्रिपुरा में पहली बार हो रहा है ये इवेंट संडे में, और सब आना ज़रूर। तो मैं जा रहा हूँ अभी उस इवेंट की, मतलब वो जो जहाँ वर्क हो रहा है ना, उसी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। तो देखेंगे सब क्या करते हैं। तो मेरे को दूर से दिख गया हम लोगों का इवेंट का गेट, मतलब जो एंट्री गेट है वो दिख गया, और काम भी जारी है अभी भी। तो पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, और सबको आज जाने नहीं देगा क्योंकि कल इवेंट है और ग्रुप मेंबर ही जा सकते हैं इवेंट के अंदर अभी। तो भाई लोग, कल संडे है, कल सब लोग इवेंट में आ सकते हैं और इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं फुल, और इवेंट का एक हिस्सा भी हो सकते हैं। तो कल आ जाना संडे को, मज़ा आएगा, सब मिलके मौज उड़ाएंगे। एक बेहतरीन एक जगह पे, मतलब प्लेस पे वो इवेंट कराई गई है, मतलब हर तरफ हरियाली है, फिर बीचों में ये इवेंट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। इवेंट के साथ साथ नेचुरल व्यू का भी उल्फत मज़ा ले सकते हो, मतलब इतना खूबसूरत एरिया है। और दूर से दिख रहा है मेरा, हम लोगों का जो ट्रैक है, मतलब ट्रैक देखिए, मेरे को हाथ में और पैर में फूटे हो रहे हैं, कभी इसको चलाऊंगा, कभी इसको मौत जुड़ाऊंगा। तो आज मैं इसको, मतलब आज इसी ट्रैक में हम चलाने वाले हैं, तो कल भी चलाएंगे, आज भी चलाएंगे, बट दोनों दिन उल्फत मजा करेंगे भाई। तो मैं फाइनली में पहुँच ही गया, तो सबसे, मतलब सब दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे अभी। गाइस, तो मैं आ चुका हूँ इवेंट की जो चल रहा है ना इधर प्रोग्राम, तो इससे मिले, बहुत दिनों के बाद मिला हूँ सर आदि सिंह फ्रॉम हीरो मोटर कॉर्प हेड ऑफिस। और बहुत अच्छा लग रहा है गुवाहाटी के बाद अगरतला आने में, और मुझे लग रहा है कि अगरतला में गुवाहाटी से ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे एंथुजियास्ट हैं, ज़्यादा बड़े एंथुजियास्ट हैं, और गुवाहाटी से भी भाई आए हमारे। तो इसलिए मैं गुवाहाटी का भी हूँ, अगरतला के भी, दोनों जगह के ही हूँ मैं। जी जी जी। तो ये भाई से मिलिए। तो संदीपन फ्रॉम हीरो मोटोकॉप, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग एक्सपल्स वाले दिन पे आए, एंड ट्राई आर रैली किट्स इन द ट्रैक। द ट्रैक इज़ फैंटास्टिक एंड वी वेलकम यू ऑल। ये कितने दिन से चल रही है, जो काम वगैरह चल रहा है ना सब? ये 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम होने वाला है। हाँ, तो भाई जरूर मज़ा आएगा, जो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया कर लो, और कल होगा हम लोगों का इवेंट और मजा आएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है। हाँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कि आप अपना वैलिड डीएल लेके आए साथ में, और जूते पहन के आए, और हेलमेट लेके आए, हेलमेट भी फुल फेस हेलमेट। हाँ, ये जरूरी है सबसे पहले। बाकी राइडिंग गियर्स अगर आप नहीं भी लाएंगे, तो हम आपको एल्बो गार्ड और नी गार्ड प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर ही, आप सभी के लिए एल्बो गार्ड और नी गार्ड रहेंगे। तो आपको बस ये 3 चीज़ें लानी है, हेलमेट, डीएल एंड शूज। चलो सर, एक खास आदमी से मिला रहा हूँ, जो कल का जो वीडियो में व्हाट्सएप में डाला था और इंस्टाग्राम में डाला था, तो एक खास आदमी, मतलब प्रो राइडर है वो। सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर एक्चुअली आपके बारे में मैं ग्रुप में भी सुनता हूँ। जिसको कहते हैं ना चाय का बगान है, या आप देख ही सकते हो, ये बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत अच्छा है। सो प्लीज कम एंड एंजॉय, इट विल बी ग्रेट फन। एंड दिस अगरतला इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस पीपल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डिसेंट, वेरी कल्चर्ड पीपल आई वुड से। सो यू आर मोस्ट वेलकम। या थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। तो अब देख ही सकते हो जो ट्रैक का जो काम चल रहा है, पूरा तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब 100% ही कंप्लीट हो चुका है। तो कल होगा मज़ा, कल मैं भी चलाऊंगा इसको, तो मज़ा तो आएगा और नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा, क्योंकि उधर में जो है तो ये भी है यार। ये जो बाइक है ना, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट क्वालिटी फील, मतलब मज़ा, नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा भाई। तो जैसा कि आपको पता है, ये स्टॉक वेरिएंट है। हाँ। एक्सपल्स 4V का, और ये है रैली वेरिएंट, रैली किट। अच्छा। ये जिसमें जो है काफ़ी राइडर्स, आप जैसे काफ़ी एक्सपल्स के कस्टमर्स बड़ी बड़ी इंडियन रैलीज को जीतते हैं। अच्छा। तो रिसेंटली अभी सुजोबा रैली हुई थी, जहाँ पे इसी बाइक और इसी रैली किट का कॉम्बिनेशन जो है, देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ
जीता था। अच्छा। तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक से रैली किट में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये टायर का है, नोवी टायर। अच्छा, नोवी टायर का। और ये है मैक्सिस के टायर्स, और मैक्सिस के टायर्स बिकॉज जो रैली होती है उसमें एक स्टेज होती है बीच में, दो स्टेजेस के बीच में, जहाँ रोड से जाना होता है। अच्छा। और रोड के लिए नोबी टायर्स नहीं चलते हैं, तो हीरो मोटर कॉर्प ने स्पेशली ये मैक्सिस के नोबी टायर्स को रोड लीगल करवाया है। ये समझा, ये देख सकते हो इसके टायर में और ये टायर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये हिमालयन मतलब पहाड़ों में चलते हैं, वो गड्ढा गड्ढा से गड्ढा में चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी में दिक्कत हो सकता है, शायद हो सकता है क्या। ये देखिए, आप देखिए, ये होते हैं क्रॉस टायर्स, ये ऑफ रोड भी चलेंगे, ऑन रोड भी चलेंगे। आप इनका ग्रूव देख रहे हो तो थोड़ा जो है नॉर्मल टायर से, नॉर्मल स्ट्रीट टायर से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऑल कंडीशन ऑल टेरेन टायर्स होते हैं। बट आप ये देखो, इनको नोवी बोलते हैं। अच्छा। नोवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े नॉब्स दिए होते हैं। अच्छा। जो कि टेरेन कैसे भी हो, अगर मिट्टी है, बालू है, या आपके चिकने जो पत्थर होते हैं जो कि रेत के होते हैं, तो कोई भी कंडीशन ऑफ रोड की हो, ये पहिए जो है चलते हैं और बिल्कुल दमदार चलते हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि रैली स्टेजेस के बीच में ट्रांसपोर्ट सेक्शन होता है, तो वो रोड का होता है, टारमैक का होता है। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिस के टायर जो हैं वो रोड लीगल हैं, और हम लोग ने इसीलिए रोड लीगल करवाए हैं ताकि हमारे जो पार्टिसिपेंट रैली में पार्ट लेते हैं या जो कस्टमर्स आगे जाकर जब उनकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएगी वो कि रैली से पार्ट लेंगे, तो उनके लिए ये टायर परफेक्ट आया, परफेक्ट है ना। फिर आगे चलते हैं, ये है नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक का ट्रैवल देखिए और रैली स्टॉक का ट्रैवल देखिए, तो देखने में ही आपको पता चल जाता है अगर डिफरेंस है, तो आपको ज़्यादा अंतर पता चलेगा। इधर आओगे, मैं इस तरफ ये दोनों सेक्शन दिखाओ अपने इसको, आप ये नॉब्स दिखाइए, ये देखा आप लोगों ने, तो ये है एडजस्टेबल सस्पेंशन। अच्छा। एक होता है आपका कंप्रेशन, एक होता है रिबाउंड। अच्छा। और आप इसको अपने वेट, अपने तरफ से ये स्टाइल, आप किस टेरेन पे चला रहे हैं उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हर रैली किट के साथ आपको मैनुअल मिलता है, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऐसे एक्सट्रैक्ट्स के इवेंट्स होते रहते हैं वहाँ पे आइए, मैं मेरे साथ मेरे कलीग्स और जो प्रो राइडर्स हैं वो आपको आपकी बाइक के सेटिंग करके देंगे, आपको 4 लैब्स देंगे 3 लैब्स देंगे, आप हर लैब में डिफरेंट सेटिंग के साथ जा सकते हो ताकि आपको पता चले। आपकी तरह तो इतना अच्छा गाइड होने से तो कोई भी सभी आ सकते हैं, बिल्कुल मतलब मज़ा आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल संडे को बहुत मज़ा आएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर्स और आपके फॉलोअर्स इसको देख रहे हैं सब लोग आएँ, कोई भी बाइक आप चलाते हो भले ही वो KTM हो, RE हो, बट एक बार एक्सपल्स का मज़ा ज़रूर लीजिए, क्योंकि ओनली वन ऑफ अ काइंड मशीन इन दी एंटायर इंडियन मार्केट सेगमेंट। और एक बार मैं भी लगा रहा हूँ इसका भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तो सेकेंड बाइक हो या थर्ड बाइक हो या फर्स्ट बाइक हो, एक्सपल्स हर किसी को सूट करती है। तो इस ट्रैक को मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो ऑफ रोडिंग में बहुत फॉर्मेट्स होते हैं, और जो ये ट्रैक हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है ये दो फॉर्मेट्स को कंबाइन करके डिज़ाइन किया हुआ है, एंड्यूरो और रैली स्टेज। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स एंड्यूरो के हैं, कुछ रैली के हैं, और कहीं ना कहीं कुछ हम लोग ने मोटोक्रॉस भी डाला हुआ है। तो कॉम्बिनेशन है, हर तरीके का राइडर्स, हर तरीके की स्किल सेट, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किल सेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो एक फियर होता है ऑफ रोडिंग बाइक चलाने का या ऑफ रोड जाने का, होता है पहले, वो आप वो फियर आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि आप गिरोगे भी तो हम लोग के पास एम्बुलेंस रहेगी, तो हम लोग आपको पूरा गियर देंगे इसीलिए ताकि आप गिरेंगे भी तो प्रॉब्लम नहीं है, और आप हम लोग आपको बाइक देंगे, आप उनको तोड़िए फोड़िए गिरिए, बट जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया हुआ है। आज हीरो आसमान में उड़ेगा। तो और अगर आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स में कुछ MTB राइडर्स हैं, माउंटेन बाइक राइडर्स हैं, तो उनको भी बड़ा मज़ा आएगा कल अगर वो आते हैं यहाँ पर, तो जो डायनामिक्स एक माउंटेन बाइक्स की होती हैं ठीक वही डायनामिक्स अप्लाई होती हैं ऑफ रोड में भी, और एक्सपल्स जो है बिकॉज इतनी लाइट वेट है, इतनी वेल बैलेंस्ड है कि अगर माउंटेन बाइकर हैं आप तो आप ईजिली एक्सपल्स चेंज कर सकते हैं इस रूट पर। तो जैसे अभी भाई खतरनाक हो सर अभी गई है, मतलब पूरा देखो धुआं धुआं कर दिया, मतलब पूरा धुआं धुआं है इधर को देखो भाई। अरे ये है मेरा भाई, कल इसको चलाऊंगा मैं और इसी ट्रैक पे मज़े लेंगे। और हीरो थैंक यू सो मच हम लोगों के लिए, मतलब इतने स्पेशल इवेंट पे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच हीरो। और
तो इतना सुंदर गाइड करने के लिए आदि भाई को थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि मैं भी एक नया राइडर हूँ, मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं हो, तो धीरे धीरे हो रहा हो सबको देख के, प्रो राइडर को देख के। तो आज ना मेरे को नेक्स्ट लेवल मज़ा आया, और संडे में भी आएगा, जो भी होगा संडे में बताऊँगा, और एक सस्पेंस आप लोगों के साथ खेलेंगे। तो ये जगह कहाँ है नहीं बताऊँगा मैं, कल पता चल जाएगा संडे को मेरे ब्लॉग में। आज रात को 7 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा। आदि भैया आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, 7 बजे आ जाएगा। जगह जरूर बता दीजिएगा, लेकिन कल लोग आएंगे कैसे? हाँ ना, सस्पेंस सस्पेंस। इंस्टाग्राम में जो अभी तक फॉलो नहीं किया उसको नहीं मालूम है, जो फॉलो करेगा ना सबको मालूम हो जाएगा। तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, और ये जगह का लोकेशन ले लो। चलो बाय बाय।